एक फाउंडेशन आपको कॉस्ट करता है 260 रुपीज का ओनली, एंड दिस वन विल कॉस्ट यू अराउंड 2900 to 3000 बहुत आराम से, ठीक है। हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, आई एम धारवी भल्ला एंड यू गाइज आर वॉचिंग द कलरफुल चीक। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं चीप वर्सेज एक्सपेंसिव फाउंडेशन, एंड फॉर चीप फाउंडेशन मैं यूज करने वाली हूँ इनसेक्ट कस्मेटिक्स का फाउंडेशन, एंड फॉर एक्सपेंसिव फाउंडेशन आई एम गोइंग टू यूज दिस हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन। तो इन दोनों को आज हम कंपेयर करने वाले हैं। आई नो एक फाउंडेशन यहाँ है, एक फाउंडेशन यहाँ है, बट स्टिल वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको पता चलेगा आपके लिए कौन सा फाउंडेशन परफेक्ट है। एक फाउंडेशन आपको कॉस्ट करता है 260 रुपीज का ओनली, एंड दिस वन विल कॉस्ट यू अराउंड 2900 to 3000 बहुत आराम से, ठीक है। सो हम दोनों का आज ट्राई करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ट्राई करूंगी इनसेक्ट कॉस्मेटिक्स का कंसीलर फाउंडेशन, एंड मैंने ऑलरेडी कलर करेक्शन कर लिया है। ब्रश में यूज करने वाली हूँ पैक का, एंड इसको मैं डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूंगी। आप लोग ना शेड को इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास हर फाउंडेशन के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं, तो आपको कोई लाइट लगेगा, कोई डार्क लगेगा। सो यस, इसको ब्लेंड करेंगे ब्रश की हेल्प से। मैं ब्रश से ब्लेंड करूंगी, मेरे को वही अच्छा लगता है। मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे फाउंडेशन की मैक्सिमम कवरेज ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। सो इसको करेंगे ब्लेंड लाइक दिस, एंड टू बी ऑनेस्ट ये कंसीलर फाउंडेशन जो है इसकी कवरेज एक्चुअली अच्छी है और ये मैट फिनिश देता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स आप लोग और कवरेज के लिए इसको बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। वाओ, इसकी ना फिनिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, बट इसकी फिनिश एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी सुपर डुपर ऑयली स्किन है और मुझे मैट फाउंडेशन बहुत अच्छे लगते हैं, और ये वाला सस्ता भी है प्लस फिनिशिंग भी अच्छी देता है, तो इसलिए आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन। हेयर यू गाइस कैन सी, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा ग्लोई नहीं लग रहा है जो नॉर्मली फाउंडेशन में लगता है, क्योंकि ये मैट फाउंडेशन है तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें बस एक प्रॉब्लम है, आई गेस इसमें शेड्स कम है, 3 या 4 शेड्स हैं, तो आपको उसी में से पिक करना पड़ता है। सो येस, दिस इज द फिनिशिंग ऑफ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का मेकअप एसेंशियल फाउंडेशन, एंड ऑन दिस साइड वी आर गोइंग टू यूज दिस हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन इन शेड लाटे, दिस शेड। हुडा ब्यूटी है तो आपको ऑफ कोर्स एक या दो पंप इज इनफ, ओके। शेड का डिफरेंस है, नाउ लेट्स स्टार्ट ब्लेंडिंग। ब्रश भी टूटने वाला है, हालत खराब हो गई है ब्रश की, ब्लेंड करेंगे। You guys can see the coverage. Amazing. ऐसे हुडा ब्यूटी आप लोगों को फुल 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 कवरेज देने वाला है। कॉस्ट ही आपको करेगा अराउंड 2800 to 3000 रुपीज। डिस्काउंट होगा तो 2700 to 2600 पे आपको मिल जाएगा। सो हुडा ब्यूटी आपको फुल कवरेज देगा और ये आपको मैट फिनिश देगा साथ में। ये थोड़ा सा हैवी फाउंडेशन है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी हैवी फाउंडेशन है। अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तभी आप हुडा ब्यूटी में इन्वेस्ट करो, अदरवाइज हुडा ब्यूटी में मत इन्वेस्ट करो, वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आप क्लाइंट वर्क करते हो तो इन्वेस्ट करो। हुडा ब्यूटी डेली लगाने वाला फाउंडेशन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। ये सिर्फ ओकेजनली अगर आपको वेयर करना है तो आप लगा सकते हो, बट अगर आप ऑफिस गोइंग हो और आपको रोज डेली यूज के लिए कोई फाउंडेशन चाहिए, देन इनसाइड कॉस्मेटिक्स इज अ ग्रेट चॉइस फॉर यू, ठीक है। अभी मैं अपना पूरा मेकअप करके आती हूँ एंड आप लोगों को अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है इनसाइड कॉस्मेटिक्स वाली साइड, ये है हुडा ब्यूटी वाली साइड। आई डोंट थिंक सो कोई डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा। मैंने इतना मेजर कंपैरिजन किया है इनसाइड कॉस्मेटिक्स एंड हुडा ब्यूटी, फिर भी मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। कि आप लोगों को कोई डिफरेंस दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोग एक हाई एंड फाउंडेशन ढूंढ रहे हो जो कि फुल कवरेज हो और आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है, तो ऑफकोर्स आप हुडा ब्यूटी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप लोग डेली वेयर के लिए कोई फाउंडेशन ढूंढ रहे हो और आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है, तो इनसेक्ट कॉस्मेटिक्स एक बहुत अच्छी चॉइस रहेगी। सो ये था मेरा कंपैरिजन। अगर आपको चीप वर्सेस और एक्सपेंसिव वाला वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आगे ऐसे और वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी। दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।